अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रीडिंग ऑफ द चैप्टर द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, नाइन्थ क्लास। आई एम मिस राजिया बाबर डार विद द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, नाइन्थ क्लास, पेज नंबर 2। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम वॉज बॉर्न इन 571 AD एट मक्का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के पैगंबर थे, पैदा हुए 571 ईस्वी में मक्का में। ही बिलोंग टू द नोबल फैमिली ऑफ कुरैश, उनका ताल्लुक कुरैश के बहुत शरीफ ख़ानदान से था। होली प्रॉफिट इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी पैगंबर थे। कुरैश यूज़ टू वर्शिप आइडल्स, कुरैश के जो लोग थे वो पूजा करते थे, वर्शिप मीन्स पूजा करते थे आइडल्स, बुतों की। एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड, और एक खुदा पर यकीन नहीं रखते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से पूछा नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड, कि वो अपने झूठे खुदाओं की जो है इबादत ना करें। ही टोल्ड देम दैट ही वॉज़ द प्रॉफिट ऑफ गॉड एंड आस्क देम टू वर्शिप द वन एंड द ओनली ट्रू गॉड, और कहा कि सिर्फ एक वाहिद और सच्चे खुदा की इबादत करें। मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम, बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज़ मीन्स इनकार। दे थॉट दैट बाई प्रीचिंग इस्लाम ही वॉज़ अगेंस्ट देयर गॉड, उनको ऐसे लगता था कि इस्लाम की तबलीग से वो उनके जो बुत हैं, जो उनके खुदा बने हुए हैं, वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। एंड देयर इंसेस्टर्स, और उनके अबाउजदाद मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स, दादा परदादा, फोर फादर्स। They opposed this new faith and their bitter opposition caused the Prophet, peace be upon him, much agony and a lot of trouble. और इस मुखालफत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ और बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। Their opposition to Islam became so furious and terrible. इस्लाम से मुखालफत इतनी खौफनाक, furious and गज़बनाक, terrible, that he had to ask the believer to migrate to Medina, कि उन्होंने हिजरत करना शुरू कर दी मदीने की जानिब। In 622 AD, the Prophet, peace be upon him, accompanied by his faithful friend, अपने वफ़ादार दोस्त हज़रत अबू बकर के साथ मिलकर मदीने की जानिब हिजरत की। और ये वाक़िया जो है जाना जाता है हिजरा के नाम से तारीख में। इन मदीना द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फाउंडेड एन इस्लामिक सोसाइटी, मदीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी माशरे का बुनियाद रखी। बेस्ड ऑन थ्री प्रिंसिपल, जो कि तीन उसूलों पर थी। ऑल पावर्स बिलोंग टू गॉड, तमाम ताकतों का ताल्लुक अल्लाह ताला से है। एंड मोहम्मद इज़ हिज़ प्रॉफिट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर टू वन अनदर, और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ही रेज्ड वुमेन फ्राम द स्टेटस ऑफ अ चैटल टू कम्प्लीट लीगल इक्वलिटी विद मैन, उन्होंने ख़वातीन को बराबरी का बिल्कुल सेम इक्वल जो हुकूक हैं उसकी जानिब उनकी तवज्जो मरकूज़ की। ही मेड पीपल टू लिव विद फेथ, उन्होंने लोगों को अपने अकायद के साथ, मुखलिसी के साथ और ऑनेस्ट डीलिंग, ईमानदारी के साथ रहना सिखाया। विद द यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदरहुड, और इस्लामी भाईचारे के साथ। एंड अफेक्ट एंड अ प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ, हिज सपोर्ट एंड गाइड इन ऑल दैट वर्क वॉज द कुरान, और इन तमाम चीज़ों का जो है गाइडलाइन हमारे कलाम पाक में है। इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा, हिजरा के 10वें साल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों के साथ हज परफॉर्म अदा किया, परफॉर्म हज एट मक्का, हज अदा किया। ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेजन, इस तारीखी मौके पर, ही एड्रेस अ वेरी लार्ज गैदरिंग, उन्होंने बहुत बड़े मजमे से खिताब किया माउंट अराफात के मकाम पर। दिस एड्रेस प्रूव टू बी हिज लास्ट हज सरमन, ये जो खुतबा था उनका आखिरी हज था। इन दिस सरमन उन्होंने कहा, इस खुतबे में ही वंस अगेन रिपीटेड द मैसेज ऑफ इस्लाम, दोबारा इस्लाम का पैगाम रिपीट किया। देर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई खुदा नहीं। ही इज़ द वन एंड ओनली, वो सिर्फ एक ही है। नन शेयर हिज अथॉरिटी एंड पावर, किसी भी ताकत का ताल्लुक जो है उसके खिलाफ नहीं है, उसके अलावा नहीं है। तमाम ताकतें अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखती हैं। ही फुलफिल हिज प्रॉमिस, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। एंड हेल्प हिज प्रॉफिट, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ ईविल, कि बुराइयों की जड़ों का खात्मा कर सकें। नेक्स्ट पैरा इज़ ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली,
उन्होंने कहा, ये लोगों मुझे गौर से सुनो, वी मे नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट अगेन, हमें शायद मौका ना मिल सके दोबारा इतने बड़े मजमे में मिलने का। ही कोटेड अ वर्स, उन्होंने हवाला दिया, कोटेड मीन हवाला दिए वर्स एक आयत का फ्रॉम द होली कुरान, होली कुरान से, एंड सेड, अल्लाह सेज, अल्लाह ताला कहते हैं, ओ मैनकाइंड, इंसानो, वी क्रिएटेड यू फ्रॉम अ मेल एंड फीमेल, मैंने आपको मर्द और औरत तक बनाया, एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स, और आपको कबीलों और नेशंस में, कौमों में डिवाइड किया ताकि आप एक दूसरे से अलहदा जाने जा सको, एंड इन द आइज़ ऑफ अल्लाह, और अल्लाह ताला की निगाह में, द मोस्ट राइटियस इज़ द मोस्ट ऑनरेबल अमंग यू, वही बेहतर है जो कि मुत्तकी परहेज़गार है। इन द लाइट ऑफ दिस वर्स, इस आयत की रोशनी में, नो अरब इन एनी वे बेटर देन अ ब्लैक मैन, कोई भी अरब एक दूसरे अरब पर फोकियत हासिल नहीं कर सकता, नॉर इज़ अ वाइट मैन इन एनी वे बेटर देन अ ब्लैक मैन, और किसी भी सफ़ेद आदमी को फोकियत हासिल नहीं काले पर। द होल ह्यूमैनिटी इज़ ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मीन्स औलाद आदम, तमाम इंसानियत जो है औलाद आदम है, आदम वॉज क्रिएटेड फ्राम डस्ट, और हज़रत आदम अलैहि सलाम को मट्टी से पैदा किया, आई देयरफॉर क्रश अंडर माई फीट, इसलिए मैं तमाम वो दावे अपने पैरों के नीचे रौंद देता हूँ, द फॉल्स क्लेम टू ग्रेटनेस, जो कि अच्छाई की जानेब हो और जिससे इंसान अपने आप को बदतर महसूस कर सके, जिसकी बुनियाद खून या फिर दौलत पर की जाए। ही फर्दर सेड, उन्होंने दोबारा कहा, ओ पीपल, ए लोगो, मुस्लिम इज़ अनदर मुस्लिम ब्रादर, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इन द लास्ट सेकेंड लास्ट स्टैंज़ा, पेज नंबर 4, फाइनली ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव गिवन यू द मैसेज ऑफ अल्लाह, मैंने आपको अल्लाह का पैगाम दे दिया, आई एम लिविंग अमंग यू अ थिंग विच विल गाइड यू, मैं आपके दरमियान एक चीज़ छोड़े जा रहा हूँ, इफ़ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, अगर आपने इस पर अमल किया, यू विल नेवर गो रॉन्ग, आप कभी भी गलत नहीं होंगे, दिस इज़ द होली बुक ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह ताला का कलाम पाक है। ऑल्दो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ नो मोर विद अस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं है, वी हैव द होली कुरान, हमारे दरमियान कलाम पाक है, टू गिव अस गाइडेंस, रहनुमाई करने के लिए, रीडिंग करने के लिए, हमें इसको डेली पढ़ना चाहिए, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, इसकी टीचिंग्स को, इफ़ वी मेक अ हैबिट ऑफ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इट, अगर हम अपना जो है हैबिट बना लें इसको, इस पर एक्ट करने की, वी विल वेरी सून अचीव आवर फॉर्मर ग्रेटनेस इन द वर्ल्ड, हम बहुत जल्द हासिल कर लेंगे अपनी खोई हुई अजमत इस दुनिया में। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर एट होम, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, यू मे आस्क मी इन द क्लासरूम। ओके बेटा, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।